क्या हाल है मेरे भाई? तो ब्रेकअप होने के बाद आप बहुत परेशान रहते हो, सैड रहते हो। अब परेशान रहते हो, सैड रहते हो, तो आप एक बहुत बड़ी गलती करते हो। गलती करते हो कि पुराने इंसान को भूलने के लिए आप एक न्यू रिलेशनशिप की सहायता लेते हो। आप सोचते हो कि मैं एक न्यू रिलेशनशिप बना लूँगा तो बहुत जल्दी मूव ऑन कर पाऊँगा, बहुत जल्दी आगे बढ़ पाऊँगा, उस इंसान को भूल पाऊँगा। अब आप क्या करते हो, फटाफट से कोई लड़की या फिर कोई लड़का देख के एक रिलेशनशिप की ओर जाते हो, उससे बात करते हो, उसके साथ रिलेशनशिप बनाने की तैयारी करते हो। लेकिन आप ये चीज़ भूल जाते हो कि न्यू रिलेशनशिप बनाने के लिए आपके दिल में फीलिंग्स होनी चाहिए। लेकिन फीलिंग्स तो पुराने रिलेशनशिप के लिए चल रही है। क्यों? क्योंकि अभी तक आप मूव ऑन हुए नहीं हो भाई, अभी तक आप उस पुराने रिलेशनशिप से बाहर नहीं आ पाए हो, उस इंसान को नहीं भूल पाए हो। जब तक आप पुराने रिलेशनशिप से बाहर नहीं आओगे ना, जब तक आप उस पुराने रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं कर पाओगे। एक रियल मूव ऑन क्या है? एक परफेक्ट मूव ऑन यही है जब आप पुराने रिलेशनशिप से, उन मेमोरीज से, उस इंसान से ओवरकम कर पाओ, जब उसको आप कंप्लीटली भूल जाओ, जब आपको उसकी किसी भी चीज से फर्क ना पड़े, जब वो आपके सामने से गुजरे तो आपको फर्क ना पड़े, वो एक कंप्लीट मूव ऑन है। जब तक आप इस सिचुएशन पे ना आओ, तब तक मेरा आपको यही सजेशन है कि न्यू रिलेशनशिप मत बनाओ। क्यों? क्योंकि न्यू रिलेशनशिप बना के आप अपने आप को वापस परेशान करने वाले हो, क्योंकि आप उस रिलेशनशिप में 101% नहीं दे रहे हो। साथ ही साथ जिसके साथ आप रिलेशनशिप में जाओगे, आप उसकी लाइफ भी बर्बाद करोगे, क्योंकि आप उसको अपना 100% नहीं दे पाओगे, उस रिलेशनशिप में अपने 101% नहीं दे पाओगे, उस इंसान के साथ आप खुश नहीं रह पाओगे। तो क्या फायदा है एक इंसान की लाइफ को बर्बाद करके? इसलिए जस्ट आप मूव ऑन करना चाहते हो? नहीं मेरे दोस्त, आप टाइम लो, खुद को अकेला रखो, हील होने का टाइम लो। जब आप परफेक्टली हील हो जाओ, उस पुराने रिलेशनशिप से आगे बढ़ जाओ, उस इंसान से ओवरकम कर जाओ, जब आपको फर्क ना पड़े, जब आप खुद का स्टैंड ले सको, जब आप अपने आप को ये चीज़ बोल सको कि हाँ मैं उस इंसान को भूल चुका हूँ, उस इंसान की यादों से आगे बढ़ चुका हूँ, उस दिन आप एक न्यू रिलेशनशिप की तरफ देखो। क्योंकि अगर आप मूव ऑन नहीं हो ना, उस इंसान से ओवरकम नहीं हो, तो मेरे दोस्त आप खुद को बहुत बड़े गड्ढे में डालने वाले हो, आप खुद को बहुत परेशान करने वाले हो। मेरा आपको यही सजेशन है कि पहले अपने आप को हील होने दो, अपने आप को बेहतर होने दो, टाइम लो, खुद को जब परफेक्टली हील कर पाओ उसके बाद एक न्यू रिलेशनशिप बनाओ। कोई जल्दबाजी मत करो, क्योंकि ये लाइफ आपकी है, किसी और की नहीं है। आज नहीं तो कल आप रिलेशनशिप में तो चले ही जाओगे, लेकिन रिलेशनशिप बनाना एक छोटी चीज़ नहीं है, उसमें बहुत चीज़ें का इन्वेस्टमेंट होता है, टाइम का, इमोशंस का, फीलिंग्स का। तो एक ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में बनाओ जो आपके लायक हो, और जब आप उस रिलेशनशिप के लायक हो। बाकी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद और वंदे मातरम।